Good morning, children. Today we are going to listen a beautiful story of a talkative tortoise. Take your book number 2 and open page number 101. The talkative tortoise. Long, long ago, there lived a tortoise and two storks. Strokes means देखो इसे birds होता है ना बड़े बड़े white white color के जो पानी में रहते हैं उसको strokes कहते हैं and this is a tortoise. ये तीनों friend है और ये तीनों एक साथ रहते थे near a pond in a forest. एक forest में एक pond, pond means जहाँ पानी रहते हैं, एक pond के आजू बाजू ये तीनों रहते थे. They were best friends. They are best friends. The tortoise was very talkative. This tortoise was very talkative. पूरा दिन बातें करते रहते थे, कंटिन्यू बातें करते रहते. आप लोग भी करते हो ना बातें, ऐसे tortoise भी बहुत talkative थे. Days passed and soon summer arrived. बहुत दिन हो गया, फिर कौन सा सीजन आया? समर सीजन आ गया. Trees in the forest started drying. Trees क्या होता है समर सीजन में? ड्राई हो जाते हैं, सूखे हो जाते हैं, है ना. The ponds were also drying up. भी पॉन्ड जो था उसमें जो पानी था वो भी गर्मी के कारण सूख गए पूरे. The storks decided to fly to a better place. एक अच्छी जगह. तो स्ट्रोक ने क्या सोचा है कि अच्छी जगह चले जाते हैं जहाँ पे पानी है, खाना है, है ना. Where they could get food and water. जहाँ पे उनको खाना और पानी मिलेगा. When they had gone to the tortoise to say goodbye, the poor little tortoise started crying. जब ये दोनों tortoise के पास गए कि चलो tortoise हम लोग चलते हैं बाय करने गए, tortoise तो रोने लगे. क्यों रोने लगे? कि उनके दो फ्रेंड थे ना, वो लोग चले जाएंगे तो उसके साथ तो कोई नहीं रहेगा. तो वो रोने लगे जोर जोर से. The storks could not see him crying and so they came up with a plan. लेकिन वो दोस्त थे ना, उनके बेस्ट फ्रेंड थे, तो उसको रोने आया. उनने सोचा कि नहीं नहीं, ऐसा तो उसको रोना छोड़ के ऐसा अकेले तो हमें जाना नहीं चाहिए. तो एक प्लान सोचा. They brought a long stick and asked the tortoise to hold the stick in the middle with his mouth. उसने एक लंबा सा स्टिक लाया, लकड़ा होता है ना स्टिक, इन दोनों ने लाया और tortoise को कहा कि आप आपके मुंह से ये स्टिक को बीचों बीच एकदम मिडिल में पकड़ के रखो, है ना. देखो ऐसे पकड़ के लटक रहे हैं ना, देखो. Now turn the page. Strokes warned the tortoise not to open his mouth. Because if he did, he would fall down. लेकिन स्ट्रोक ने पहले ही बोल दिया था कि टॉर्टवाइज आप अपना मुंह ओपन नहीं करोगे. अगर आपने मुंह ओपन किया तो आप कहाँ क्या होगा, वो आप गिर जाओगे. तो आप पहले प्रॉमिस करो कि आपका मुंह आपने ओपन नहीं करना है. द टॉर्टवाइज प्रॉमिस्ड द स्ट्रोक दैट ही वुड नॉट टॉक. एंड उसने प्रॉमिस किया कि ओके मैं अपना मुँह नहीं खोलूँगा. Strokes held the stick at both the ends with their beaks and flew together. ये स्टिक के दोनों एंड को स्ट्रोक ने ऐसे अपने बीक से पकड़ा. बीक मतलब चोंच, है ना, चोंच से पकड़ा और उड़ने लगे. और बीच में कौन लटक रहा है, कौन हैंग कर रहा है? Tortoise. The strokes started flying higher and higher. They crossed hills, valleys and fields. वो बहुत ऊंचा उड़ने लगे. स्ट्रोक्स तो बहुत ऊपर उड़ते हैं, ऊंचा उड़ने लगे. क्या क्या क्रॉस किया? हिल्स क्रॉस किए, पहाड़, वैलीज, फील्ड्स. द टॉर्टवाइज वॉज वेटिंग टू टॉक बट रिमेंबर्ड द प्रॉमिस एंड केप्ट क्वाइट. लेकिन टॉर्टवाइज तो टॉकेटिव था, बहुत बातें करने में उसको मन हो रहा था. लेकिन फिर उसने सोचा कि नहीं, मैंने प्रॉमिस किया है तो मैं बात नहीं करूँगा और मैं बीक भी नहीं ओपन करूँगा. Soon they were flying over a town. एक टाउन के ऊपर उन लोगों ने उड़ने लगा. एक टाउन जहाँ पे देखो बच्चे खेल रहे हैं, यहाँ पे सब बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, घूम रहे हैं. The people of the town saw the stork carry the tortoise. They started clapping and shouting. इन लोगों ने देखा कि दो स्ट्रोक एक टॉर्टवाइज को लेके उड़ रहे हैं. उन लोगों ने क्लैप करने लगे और शाउट करने लगे, देखो देखो ऊपर क्या जा रहा है, ऐसा देखने लगे और शाउट करने लगे. This made the tortoise angry. और tortoise को बहुत गुस्सा आ गया क्योंकि उसको देख के सब क्लैप कर रहे हैं, शाउट कर रहे हैं, है ना, तो उसको गुस्सा आ गया. He could not control his anger. He opened his mouth to say something and thud.
फेल द टॉर्टवाइस। उसने जैसे ही अपना मुंह खोला कि उसको कुछ बोलना था, क्योंकि उसको गुस्सा आ गया था, जैसे ही अपना मुंह खोला क्या हो गया, वो गिर गए, है ना, क्योंकि वो मुंह के बल लटक रहे थे, वो अपनी बीक से वो स्टिक को पकड़े थे और वो गिर गए, है ना, देखो गिर गए। तो आपको टॉकेटिव होना है टॉर्टवाइस जैसा? यस, आपको टॉकेटिव नहीं होना है। जब कुछ पढ़ाई चल रहा है, कुछ मम्मी कुछ बात कर रहे हैं या पापा कुछ समझा रहे हैं, तो आपको कंटिन्यू बातें नहीं करना है, आपको मुंह बंद करके पहले आपको बात सुनना है ना? ओके, बाय।